Hey guys, what's up and welcome back to Guru Edit Channel. So guys, आज सीखेंगे वीडियो के अंदर कुछ इस तरह की नई एक्साइटिंग फोटो एडिटिंग करना, जिसमें गाइज मॉडल भाई विजय मार भाई बनने वाले हैं। और एडिटिंग में आप लोगों को एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या चीज कैसे करना है, और बैकग्राउंड बनाने से लेके सारा चीज करेंगे। और सारा चीज गाइज पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ही करेंगे, रिटचिंग भी पिक्सार्ट में ही करेंगे। तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो एक भी स्टेप मिस कर जाओ, एडिटिंग अच्छे से ना कर पाओ। और हाँ गाइज, मुझे अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में एक व्हाइट बैकग्राउंड ओपन करा है जो कि पूरा ब्लैंक है, और ये इंस्टाग्राम के साइज में है। तो गाइज हम इसके ऊपर जो है अपना बैकग्राउंड पूरी तरह से यहाँ पे क्रिएट करना सीखेंगे। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए गाइज चलते हैं ऐड फोटो में, और ये वाला जो इमेज है गाइज यहाँ पे स्काई का, जो कि पूरा स्मोकी वाला स्काई है ये, तो हम इसे ऐड करेंगे। एंड ऐड करने के बाद इसे हम ऊपर में लगाएंगे इस तरीके से। अब लगाने के बाद गाइस जो हम सेकंड इमेज ऐड करेंगे, सॉरी पीएनजी है ये, तो हम इसे जो ऐड करेंगे गाइस इस तरीके से नीचे में लगाएंगे इसको। अब गाइस इसे लगाने के बाद आप देख सकते हो कि गाइस हमारे बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल भी ये मैच नहीं कर रहा। तो मैच करने के लिए गाइस करेंगे क्या, एडजस्टमेंट वाले टूल पर चलेंगे। एंड यहाँ पर आने के बाद इसका जो सैचुरेशन वाला ऑप्शन है गाइस, इसे हम माइनस में ले जाएंगे यहाँ पर 38 के आसपास। एंड यहाँ पर टेम्परेचर को ले जाएंगे 27 या फिर 37, ठीक है। तो इसे सिंपल यहाँ से डन करेंगे, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा बैकग्राउंड के साथ ये मैच हो चुका है। अब ऐड फोटो में दोबारा से आएंगे और ये बर्ड्स की पीएनजी जो है ऐड कर लेना है आपको। और इसका ऑपसिटी थोड़ा सा इसका माइनस कर देना, जिससे कि गाइज ये जो बैकग्राउंड है हमारा स्मोकी टाइप हो। तो आप लोग देख सकते हो यार कि हमारा जो बर्ड्स भी होनी चाहिए हल्का हल्का, मतलब वाइट ही होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल डन करने के बाद चलेंगे इफेक्ट्स वाले टूल में, एंड बैकग्राउंड को जो हम ब्लर करेंगे। अब ब्लर करने के लिए गाइज लेंस ब्लर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और लेंस ब्लर गाइज यहाँ पर लाइट को पूरा माइनस कर देना 0 पे, और यहाँ पे ब्लर को जो है हल्का सा रखना 11% या 10%। देख सकते हो गाइज ब्लर भी हो चुका है, फिर भी आपको लग नहीं रहा होगा कि ब्लर हुआ है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको भी हल्का सा ब्लर करना है, ज़्यादा नहीं। आप सिंपल चलेंगे ऐड फोटो पे, और अपने मॉडल को और गर्ल की पीएनजी को दोनों को हमें एक साथ ऐड करना है, ठीक है। अलग अलग ऐड मत करना, नहीं तो एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। और गाइस दोनों को अच्छे से एडजस्टमेंट करना, जिससे कि गाइस ना ज़्यादा आपका मॉडल बड़ा लगे, ना ज़्यादा आपकी गर्ल की पीएनजी छोटी लगे, ठीक है। तो अपने मॉडल के और गर्ल की पीएनजी के हिसाब से दोनों को बराबर पे सेट करना, और गर्ल हमेशा हाइट में छोटी होती है तो इसलिए हमने इसे छोटे में लगाया है। तो आपको इरेज कर लेना है, इरेजर में आके ब्रश का इरेजर का जो हार्डनेस है ना पूरा 0 कर लेना, ठीक है, इरेज करने से पहले। और दोनों का नीचे से इरेज कर देना है इसी तरीके से। और इरेज करने के बाद गाइस हम अब ऐड करेंगे एक स्मोक की पीएनजी, जो कि हम अपने नीचे में लगाएंगे। और स्मोक की इफेक्ट तो आप लोग जानते हो यार, बहुत ही ऑसम लगता है यार फोटो, कमाल का। तो हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे, एंड इसे हम नीचे में इस तरीके से लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो मॉडल का हमने कटआउट कर रखा है वो सारा चीज़ छिप भी जाएगा, और काफ़ी ऑसम सा लुक भी आ जाएगा स्मोक की वजह से। एंड इसे ऐड करने के बाद सिंपल डन कर देंगे। अब हमारा पूरा फोटो यहाँ पे एडिट हो चुका है, अब बस यहाँ पे रैन वाला इफेक्ट देना है, जो कि बारिश होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको बारिश वाला इफेक्ट देना हो जब भी आप यूज़ करना है, बाय द वे आप इसे रहने भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पे दो पीएनजी मैंने ऐड करा है रैन का। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एक पीएनजी जो ऐड करा है उसमें सनलाइट भी फोकस पड़ रहा है, तो उसमें ऐसा लगेगा कि धूप हो रहा है और बारिश आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी रियलिटी में होता है ना कभी कभार, तो वैसे ही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे, और लगाने के बाद अब सेकेंड वाला जो रेन का पीएनजी हम उसे लेंगे, और इसका भी ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखेंगे, और इसे हम राइट हैंड साइड वाले पे लगा लेंगे। अब गाइस अभी आपको राइट हैंड साइड वाला दिख नहीं रहा होगा, जब आपको फोटो यहाँ पे एडिट कर लोगे ना तब आपको दिखेगा, आप जब एडिट करोगे तो, ठीक है। वीडियो में आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, वीडियो आप लोग बड़ा करके देख रहे हो तो हाँ भाई दिख सकता है। तो इसी को हम डुप्लीकेट एक बना लेंगे, और बनाने के बाद इसे हम नीचे में लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पे।
अब लगाने के बाद इरेजर में आएंगे, और इरेजर का गाइस कभी भी आप ध्यान में रखा करो कि इरेजर का हार्डनेस कम करना, क्योंकि हार्डनेस कम करके इरेज करोगे तो काफ़ी अच्छे से इरेज हो जाता है स्मूथली, और लगता भी नहीं कि भाई आपने इरेज कर रखा है। तो इस तरीके से गाइस अपने मॉडल के फेस पे से जो है इरेज कर लेना, गर्ल की पीएनजी से जो भी हो, और गाइस वहीं से इरेज करना जहाँ से मतलब कि आपको हाँ ऐसा लगे कि भाई मेरा फेस जो है ज़्यादा ढक रहा है यहाँ से। तो फालतू जगह से इरेज मत करना, क्योंकि आप लोगों को ये तो देखे ही होगी भाई रियलिटी में कि बारिश पड़ रहा है और बॉडी पे ना पड़े, ऐसा हो सकता है भाई। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे लगाने के बाद सिंपल डन कर लेना है। आप डन करने के बाद गाइस यहाँ पर हम थोड़ा बहुत रिटचिंग देंगे अपने फोटो में। सबसे पहले गाइस अपने हेयर पे जो है वाटर वाला इफेक्ट दे देते हैं हम। तो वाटर वाला इफेक्ट देने के लिए एडजस्टमेंट में आके कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे यहाँ पर इतना, एंड यहाँ पर टेम्परेचर को माइनस में करेंगे इतना। अब करने के बाद इरेजर में आएंगे और इसको कर देंगे सबसे पहले इन्वर्ट। अब इन्वर्ट करने के बाद रिस्टोर वाला आपको ब्रश लेना है, और ब्रश का हार्डनेस कम करना और साइज अपने मुताबिक रख के अब आपको हेयर पे ये चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। काफ़ी ऑसम टाइप का ये जो हेयर है ना आपके, ऐसे लगेंगे कि भाई बारिश पड़ रहा है तो आपके बाल जो है ना गीले हो गए, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट हम इस तरीके से दे सकते हैं। और करने के बाद सिंपल डन करना, और फिर से चलेंगे इस बार हम टूल्स वाले ये ऑप्शन में, एंड थोड़ा सा हम जो है अपने फोटो में लाइट का एडजस्टमेंट करेंगे इस बार, जो कि हम लाइटरूम एप्लीकेशन में भी करते हैं अक्सर। तो हम जो है अपने चलते हैं टूल्स में एंड चलते हैं एडजस्टमेंट में फिर से, और इस बार गाइस यहाँ पे ब्राइटनेस जो है हमारे फोटो में ज़्यादा हो रहा है तो हल्का सा इसे माइनस करेंगे, एंड यहाँ पे सैचुरेशन को भी हल्का सा माइनस करेंगे, और हाईलाइट देखेंगे यहाँ पर गाइस, हाईलाइट को भी जो है हम यहाँ पे माइनस में रखेंगे गाइस, एंड शेडोज को हम प्लस कर लेंगे इतना, एंड टेम्परेचर को जो है माइनस करेंगे क्योंकि हमारे फोटो में ब्लू टोन देना है। तो टेम्परेचर माइनस करोगे तो ब्लू टोन आता है, और प्लस में रखोगे तो भाई ऑरेंज टोन आता है। तो इस तरीके से आने के बाद अब आना है गाइस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में, एंड एफएक्स में आएंगे गाइस। एक फिल्टर यहाँ पर आपको यूज़ करना है, वाइब्रेंट नाम का होगा यहाँ पर फिल्टर, ठीक है। तो स्क्रॉल करके आपको ढूंढ लेना होगा, वाइब्रेंट नाम का एक फिल्टर होगा यहाँ पे। और गाइस मैं आप लोगों को आराम आराम से इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एडिटिंग सीख पाओ, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फिल्टर जो है मिल चुका है। अब इसका जो फैड है ना गाइस, यहाँ पे फैड आपको 50% यहाँ पे प्लस में कर लेना है, जिससे कि ना ज़्यादा ये फिल्टर आपका डार्क बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हमें हल्का सा देना है इफेक्ट, ज़्यादा नहीं, एंड मर्ज करेंगे। और मर्ज करने के बाद गाइस फिर से एक और फिल्टर यूज़ करेंगे इसमें हम, लोमो का, जो कि गाइस आपको लास्ट की तरफ मिलेगा यहाँ पे, लास्ट से यहाँ पे 7th या 8th नंबर पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे लोमो का। और इसके हम अमाउंट को जो है ना पूरा जीरो कर देंगे इसमें गाइस। यहाँ पे विग्नेट इफेक्ट जो है हम हल्का सा 15% के अराउंड रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जो विग्नेट इफेक्ट देते हैं तो साइड से शैडो टाइप बन जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सिंपल देख सकते हो हमारा फोटो जो यहाँ पे एडिट हो चुका है। आप चाहो तो गाइस यहाँ पे लोगो वगैरह कोई ऐड कर लेना आपके पास हो तो, और लाइटरूम में रिटचिंग करना हो तो लाइटरूम में भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइटरूम की अगर वीडियो चाहिए तो गाइस चैनल पे चेक कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। एंड हेयर स्टाइल का भी आपको सीखना हो तो वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। और चलिए ऐसी किसी नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।